किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। सरकार को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज़ की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज़ को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि 2 करोड़ जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराए गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे हस्ताक्षर किए गए हैं, ये सारे ऐसे हैं सब। ये फिलहाल अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरीके इसके हस्ताक्षर किए गए या अंगूठा लगाए गए ऐसे जो कागज़ हैं उनको जो है यहाँ पे रखा गया है और आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है। सिर्फ इसमें सिर्फ लाइनें लगाई गई हैं, नंबर्स लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं, एड्रेस में जो है एड्रेस में कोई एड्रेस में नहीं लिखा गया है और सिर्फ दस्तखत और अंगूठे जो है लगाए गए। जिस तरीके का लग रहा है कि ये पूरा जो है 2 ट्रक जो है जैसे भरे हुए हैं, यही 2 ट्रक में जो है ये लोग लेके जाना चाह रहे थे इस हस्ताक्षर को। क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, ना संसद बनाती है, ना सांसदों को राष्ट्रपति से मिलने देती है। इससे ज्यादा और लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं हो सकती। मनीष जी, आप कौन कौन जा रहा है वैसे वहां पे? देखिए, ऐसा है कि श्री राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद साहब और जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो 3 लगी आधी रंजन, वो 3 लोगों को इन्होंने जाने की अनुमति दी है। बेहतर ये रहता कि सब सांसदों को जाने देते। अक्सर ये हुआ है कि सांसद जाके लोगों से मिलते रहे हैं।